खबर रीवा से है, जहां कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि समिति के सदस्य तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हर माह सोनोग्राफी केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। इन केंद्रों में एक्ट के प्रावधानों का किसी भी तरह का उल्लंघन पाए जाने पर कठोर कार्यवाही प्रस्तावित करें। जिले के हनुमाना, त्योथर, चाकघाट तथा जवा जैसे सीमावर्ती कस्बों में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के संबंध में जानकारी देने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित करेंगे। इनमें आशा कार्यकर्ता, एएनएम तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक्ट के प्रावधानों की जानकारी दें। साथ ही इस बात का भी व्यापक प्रचार प्रसार कराएं कि भ्रूण लिंग परीक्षण की जानकारी देने वाले को 2,00,000 रुपए इनाम देने का प्रावधान है। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सीमावर्ती विकास खंडों के बीएमओ उत्तर प्रदेश के उनके समकक्ष स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क करके सीमावर्ती क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में स्थित सोनोग्राफी केंद्रों के संबंध में भी रिपोर्ट प्राप्त करें। समिति की ओर से प्रयागराज तथा मिर्जापुर के कलेक्टरों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी सीमावर्ती क्षेत्रों में सोनोग्राफी सेंटरों की निगरानी के संबंध में प्रेषित करें। कलेक्टर ने कहा कि नई सोनोग्राफी मशीन के पंजीयन के लिए आवेदन करने पर जिला रेड क्रॉस समिति में 20,000 रुपए की सहयोग राशि तथा लाइसेंस का नवीनीकरण कराने पर 10,000 रुपए की सहयोग राशि देना आवश्यक होगा। समिति ने जिन केंद्रों के लिए पंजीयन अथवा मशीन संचालन की अनुमति दी है उनसे भी निर्धारित राशि जमा कराएं। बैठक में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि एक्ट के प्रावधानों तथा भ्रूण लिंग परीक्षण की जानकारी देने पर 2,00,000 रुपए के इनाम के बड़े बड़े बोर्ड जिले के सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएं। सोनोग्राफी सेंटर के बाहर भी इस आशय के बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एएन मिश्रा ने सोनोग्राफी मशीनों के पंजीयन के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किए। बैठक में 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं के स्थान पर 2 नए सदस्य नामांकित करने को मंजूरी दी गई है। बैठक में उप संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर एनपी पाठक, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती प्रतिभा पांडे, जिला अभियोजन अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे।